like a Hellcat. ये है जी इनके छोले। ऑलमोस्ट हम थोड़ा लेट हो गए हैं वीडियो के लिए, तो स्टॉक इनका खत्म हो गया है, तो आई होप हमें स्टॉक मिल जाएगा। ये गर्मा गर्म हमारे भटूरे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, फुले फुले भटूरे हैं जी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गगन, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने फूड ब्लॉग चैनल खाओ जी में। तो दोस्तों आज हम आए हैं जी मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन में हम कवर करेंगे, इसमें हम छोले भटूरे के लिए आए हैं। इंडिया का फेवरेट ब्रेकफास्ट मील होता है, हर कोई पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट नहीं खाया जाए, लोग लंच में ही प्रेफर करते हैं। और हम आपको दिखाने आए हैं मॉडल टाउन के और यमुनानगर के सबसे बढ़िया छोले भटूरे यहाँ मिलते हैं जी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल खाओजी को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो सर ये आपका नाम बताइए पहले, आपका क्या नाम है सर? अक्षय घई। अक्षय घई जी, तो सर ये आप कितनी साल पुरानी आपकी शॉप है जी? 12 साल पुरानी। 12 साल पुरानी। और सर ये टाइमिंग क्या है आपकी शॉप की? 11 से 2:30। 11 से 2:30। और इतनी जल्दी मतलब ये सामान खत्म हो जाता है आपका? ओके, सारा सामान खत्म हो जाता है। और सर क्या कुछ बनाते हैं सर आप? सर हम राजमा बनाते हैं, राजमा चावल बनाते हैं, कढ़ी चावल बनाते हैं, छोले चावल बनाते हैं, छोले भटूरे बनाते हैं। ओके जी, तो मेन आपकी स्पेशलिटी सबसे ज़्यादा क्या बिकता है सर आपका? छोले भटूरे। छोले भटूरे बिकते हैं, सारी चीज़ें बिकती हैं वैसे तो। ओके, तो छोले भटूरे इनकी स्पेशलिटी है। और क्या प्राइस बता सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सर। सर चने भटूरे जो हैं वो 50 रुपीज़ प्लेट है। 50 रुपीज़, ठीक है जी। और जो राजमा चावल, कढ़ी चावल वगैरह, छोले चावल हैं, ये 40 रुपीज़ प्लेट है। ये 40 रुपीज़ प्लेट है जी, ठीक है जी। और वैसे अगर किसी ने सब्जी वगैरह लेनी हो आप वो भी दे देते हैं? कम से कम 20 रुपीज़ की, ठीक है, जितनी मर्जी ले ले। ठीक है, एक बार दिखा देंगे मेरे को कैमरे के आगे, एक बार कड़छी लगा के। ये क्या है सर? सर ये राजमा है जी। ये राजमा जी, थोड़ा एक बार निकाल के एक बार दिखा देंगे। एक सेकेंड। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, गाढ़े गाढ़े एकदम से राजमा लग रहे हैं, घर जैसी फील आ रही है। चने जी, ये है जी इनके छोले। ऑलमोस्ट हम थोड़ा लेट हो गए हैं वीडियो के लिए, तो स्टॉक इनका ख़त्म हो गया है, तो आई होप हमें स्टॉक मिल जाएगा। ये छोले हैं जी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और सर इसके साथ आप क्या देते हैं, कुछ और भी? सर इसके साथ सैलड देते हैं। सैलड देते हैं जी, चटनी देते हैं, ठीक है जी, और मिर्च का अचार देते हैं, ठीक है जी। ओके जी, तो आपका वो चटनी भी बड़ी फेमस है जी, आपकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, वो भी दिखाएंगे एक बार? हाँ जरूर जरूर। ये है जी, ये इनकी चटनी है सर। ये किससे बनती है सर? ये सर पुदीने और धनिया की है। पुदीने और धनिया की। ये साथ में जी इनकी हरी मिर्ची है जी। सर ये हरी मिर्ची है। ओके जी, ये सैलेड है। ये सैलेड है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। सर नाम तो ये लिखा हुआ बाहर। ओके, घई ब्रदर्स, वैसे हमारा घई छोले भटूरे के नाम से, ठीक है जी, घई छोले। एक बार सर ये लोकेशन बता देंगे अगर किसी को यहाँ आना हो? सर सब्जी चौक, बड़ा मॉडल टाउन, यमुनानगर। ठीक है जी, मॉडल टाउन में है जी ये शॉप। अगर आप आना चाहें मैं इसकी लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। आपका ये MLN कॉलेज है, यहाँ उसकी बैक साइड है। आप जहाँ आना चाहें तो ये राइट साइड जो रोड है वो डोमिनोज जो स्टोर है उसके आप राइट आ जाएंगे, बिल्कुल सीधा आपको ये शॉप मिलेगी जी यहाँ पर। तो अभी देखते हैं जी, एक प्लेट लगवाते हैं, मैं पैकिंग के लिए ले रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा इनका प्लेट लगे। हाँ जी, ये हमारे साथ एक कस्टमर है जी इनके। सर आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रोहन है जी। ठीक है सर, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ कम से कम 5-6 साल से आ रहा हूँ। 5-6 साल जब से नियरली इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था तब से मैं। ओके वेरी गुड, तो मतलब इतना टाइम से आ रहे हैं, तो आपको कुछ खास बात लगती होगी इनमें? हाँ, हमें बस जब भी छोले भटूरे खाने हैं तो इन भाई साहब के पास आते हैं, यही सबसे अच्छे, सबसे फ्लावटी और साफ सुथरे घर के छोले भटूरे लगते हैं। ओके जी, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, छोले भटूरे के अलावा और भी कुछ आप ट्राई करते हैं यहाँ का? यहाँ पे हम कभी कभी राजमा चावल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मोस्टली जो इन स्पेशलिटी है आपको वो अच्छी लगती है। ठीक है, थैंक यू रोहन जी हमसे बात। ये देखिए जी, ये लग रही है जी हमारी प्लेट, इसमें एक जगह पर एक कटोरी में इन्होंने दिया हुआ है अपना सैलेड है, चटनी है, हरी मिर्च है, एंड देन साथ में इसके है जी छोले। और डिस्पोजेबल प्लेट यूज़ करते हैं जी, तो हाइजीन का भी इशू नहीं रहेगा आपको। और ये तैयार हो रहे हैं जी भटूरे, एकदम बढ़िया फूले हुए भटूरे हैं जी। ये निकल आए जी भटूरे हमारे। अब ये आ गए जी गर्मा गर्म हमारे भटूरे, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, फूले फूले भटूरे हैं जी। देखो जी, ये लग रहे हैं जी इनके कढ़ी चावल। मैं दोबारा आया हूँ इनका शूट करने के लिए, कढ़ी वाला उसमें एपिसोड में रह गया था। ये जी कढ़ी चावल बहुत बढ़िया लग रही है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत बढ़िया आ रही है कढ़ी की, और साथ में अच्छा एक हैवी सा पकौड़ा है इसके साथ। ये गया जी सैलेड,
ये लग गया जी कड़ी चावल, ये लग रहा है जी हमारे छोले चावल की प्लेट, ये आ गए जी चावल, साथ में ये आए जी बढ़िया से छोले, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। थोड़ा सा रोगन डाला है अंकल ने इसके ऊपर, हरी मिर्च, प्याज, और इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहें तो इसको दोबारा भी थोड़ा डलवा सकते हैं छोले, ऐड ऑन करा सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। ये जा रहे हैं जी पैकिंग में हमारे भटूरे, वेरी गुड, दो भटूरे हैं एक प्लेट में, 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है जी। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा तैयार, थैंक यू सर, अब चलते हैं जी घर, फिर घर जाके करेंगे इनकी टेस्टिंग। अभी बारी है जी हमारी टेस्टिंग की, प्लेट्स हमारी लग चुकी हैं, ये देखिए हमारा कितना बढ़िया लग रहा है। ये है जी हमारे दो भटूरे, साथ में सैलेड, साथ में मिर्च का अचार, और ये सरप्राइजिंगली ये देखो ये इन्होंने माउथ फ्रेशनर भी दिया है जो कि ढाबे वाले देते हैं, तो इन्होंने दिया तो जो कि अच्छी बात है। ये रहे जी हमारे छोले, बहुत बढ़िया लग रहे हैं गाढ़े गाढ़े, ये हमारी है जी इनकी फेमस चटनी, और साथ में हमारा ये है जी हमारे राजमा, एकदम बढ़िया गाढ़े गाढ़े लग रहे हैं राजमा, और साथ में हमारे हैं जी चावल, राइस है जी, राइस भी बढ़िया हल्दी वाले थोड़े राइस लग रहे हैं अच्छे। चलो अभी पहले स्टार्ट करते हैं ये हमारा भटूरे के साथ, भटूरे एकदम मतलब ना आप देखो इसमें वो ऑयली नहीं है, नहीं तो कहीं इस जगह से आप भटूरे लेके आते हैं बहुत ही ऑयली लगते हैं, तो इसमें वैसा वो वाला फील नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कि आपके हाथ चिपचिप हो जाएँ, ठीक है बेशक फ्राई है बट फिर भी वो उतना ऑयली नहीं लग रहा, बहुत सॉफ्ट है, जबकि यहाँ लाए हुए मुझे थोड़ा 15 से 20 मिनट हो गए थोड़ा सेटअप करते हुए, बट फिर भी अभी भटूरे बहुत सॉफ्ट हैं। अभी हम ट्राई करते हैं जी इसको भटूरे को हमारे छोले के साथ, वेरी गुड, ये आ गया जी हमारा भटूरे, ये आ गई हमारी बाइट, इसके साथ लेते हैं जी हम प्याज, लेट्स हैव दिस, बहुत बढ़िया फ्रेंड, मतलब भटूरा एकदम बहुत ही सॉफ्ट है, और देन हम बात करते हैं इनकी मेन चीज़ की जो कि है छोले, बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हो कितने गाढ़े गाढ़े छोले हैं एकदम से, मसाले बहुत बढ़िया लग रहे हैं इसमें, आपको ये डिश ये छोले भटूरे किसी भी बढ़िया रेस्टोरेंट को टक्कर दे सकते हैं, इतने अच्छे इनके छोले भटूरे हैं, ठीक है कि नहीं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपके छोले भटूरे फेमस भी हैं, बट ये जो चीज़ है ये आपको यहीं पर ही मिलेगी, तो इतना अच्छा इसका टेस्ट है कि आप टेस्ट करोगे तभी इसको पता लगेगा। एंड देन इनके से लेते हैं जी हम इसके साथ इसमें चटनी, ये गई जी चटनी, देन ये लगाया जी भटूरा और छोले के साथ, ये गया जी बाय, चटनी के साथ फ्रेंड्स और भी इसका टेस्ट बढ़िया आ रहा है, वहाँ पुदीने धनिया की चटनी है, थोड़ी सी मिर्ची भी है, थोड़ा सा मीठापन भी है, थोड़ा सा खट्टापन भी है, बड़े बैलेंस लग रहा है, चटनी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही निखर के आ रहा है, सो मतलब हाईली रिकमेंडेड, अगर आप यमुनानगर से हो मॉडल टाउन जाओ, ये छोले भटूरे नहीं आपने खाए तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तो मेरी तरफ से इसको बिग थम्स अप है, ये छोले भटूरे आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, प्राइस वाइज भी इकोनॉमिकल है, 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, और उसमें आपको एक क्वालिटी दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से इट इज़ क्वाइट रीजनेबल, तो बहुत बढ़िया है, क्वांटिटी भी बहुत बढ़िया है, ये जो छोले हैं ये इसके साथ मिले हैं, सेम इतनी क्वांटिटी मेरे पास बची हुई है एक कटोरी, तो मतलब क्वांटिटी में भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको टेस्ट भी बढ़िया मिल रहा है, सो मतलब आप बढ़िया से खा सकते हैं, भर पेट 50 रुपये में आप बहुत बढ़िया खा सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे जी हमारी डिश जो कि है जी इनका राजमा चावल, राजमा ही बहुत बढ़िया लग रहे हैं,
इसको ट्राई करते हैं जी इसके साथ, राइस के साथ। ये गए जी हमारे राजमा, ये किया जी इसको मिक्स। लेट्स हैव अ बाइट। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, मतलब मैं कहूँगा जितने अच्छे छोले हैं उतने ही अच्छे इनके राजमा भी हैं। कि राजमा के भी टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं एकदम। अब देखो जरा इसको, एकदम बढ़िया गाढ़ी ग्रेवी है, ये नहीं कि पतली सी ग्रेवी है। तो इन्होंने अपने मसाले बहुत बढ़िया यूज़ किए हुए हैं। मैंने इनसे पूछने की कोशिश की कि कुछ मसाले वगैरह बताएं, बट उन्होंने कह दिया कि वो उनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो बहुत अच्छे लगे इनके मसाले, और यही इनकी यूएसपी है कि इनका मसालों के साथ इनका टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और क्वांटिटी वाइज भी और टेस्ट वाइज भी बहुत बढ़िया है। एक और बाइट लेते हैं फ्रेंड्स इसकी। 40 रुपीज़ इस कॉम्बो की कॉस्ट है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, रीजनेबल है फ्रेंड्स। क्वांटिटी सेम वही चीज़, इतनी कटोरी मेरे पास राजमा पड़े हुए हैं, इतनी कटोरी एक्स्ट्रा मेरे पास राजमा और बचे हुए हैं। तो क्वांटिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से रिकमेंड करता हूँ मैं इस प्लेस को। आप घई जी के छोले भटूरे खाइए, बहुत बढ़िया लगेंगे। आप साथ में राजमा भी ट्राई कर सकते हैं। इनका राजमा और कड़ी ये ऑल्टरनेट होता है, मतलब छोले भटूरे आपको डेली मिलेंगे, एक दिन आपको राजमा चावल मिलेंगे और एक दिन आपको कड़ी चावल मिलेंगे, फिर किसी दिन उसको भी ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपने देखी है, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो ही आपके पास वीडियो के मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे। एंड फ्रेंड्स फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी कोई रिकमेंडेशन है मुझे बताइए, मैं उस प्लेस को कवर करूँगा यमुनानगर में। सो फ्रेंड्स इसी के साथ इसी अमेजिंग वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।